हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल तनु क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते थे, पहले डमी एडमिट कार्ड सुधार करने का डेट 5 नवंबर तक था, लेकिन दोस्तों इसको अचानक 12 नवंबर तक बढ़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि दोस्तों अभी भी बहुत कोई सुधार नहीं किया था अपना डमी एडमिट कार्ड, इसलिए इस डेट को 12 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे आपको कैसे डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कैसे सुधार करना है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई छोटी से छोटी नोटिस या फिर बड़ा से बड़ा नोटिस जारी होता है तो आपको सबसे पहले ही चैनल पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे पहले दोस्तों दो नोटिस जारी किया गया है, जो कि पहले हम लोग देख लेते हैं। ये आज के दिन यहाँ पर 7 नवंबर, जैसा कि डेट देख सकते हैं आप लोग, 7 नवंबर 2020 सैटरडे को, और ये भी आप देख सकते हैं 7 नवंबर 2020 सैटरडे को। ठीक है, सबसे पहले हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम आपको डाउनलोड और सुधार करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड में त्रुटियों का 12 तक सुधार करें, इंटर वार्षिक परीक्षा के परिवर्तित तिथि की सूचना को बोर्ड ने किया निरस्त। थोड़ा सा आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, समय दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ जाते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के डमी एडमिट कार्ड में सुधार करने की तिथि बढ़ा दी गई है। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट त्रुटियों को अब 12 नवंबर तक देख सकते हैं। त्रुटियों में सुधार भी स्टूडेंट अब 12 नवंबर तक कर सकते हैं, यानी कि 12 नवंबर तक कर भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। पहले सुधार करने का अंतिम तिथि 5 नवंबर तक थी, जिसे बोर्ड ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया। सुधार की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट अपना नाम, पिता का नाम समेत अन्य सभी जानकारियाँ ध्यान से देख लें। किसी तरह की गलती हो या स्पेलिंग में गलती हो तो लॉगिन कर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से पूरा करना होगा, यानी कि आपको स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से पूरा करना होगा। हम आपको बताते हैं कैसे करना होगा। ठीक है, शिक्षण संस्था के प्रधान अपने यूजर, आगे देखें दोस्तों, यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति की वेबसाइट पर जाकर डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट को अनिवार्य रूप से देंगे। डमी एडमिट कार्ड अंकित सभी विवरणी का मिलान करेंगे। तो दोस्तों कैसे कैसे करना है मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये था इंटर के लिए, उसके मैट्रिक के लिए, उसी तरह यहाँ पर ये दोस्तों इंटर के लिए। ठीक है, ये भी आज ही का न्यूज है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के डमी एडमिट कार्ड में सुधार करने की तिथि बढ़ा दी गई है। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट त्रुटियों को 12 नवंबर तक सुधार कर सकते हैं। ये भी उसी तरह सेम है दोस्तों, और आपको यहाँ पर कह रहा है लॉगिन कर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से पूरा करना होगा। शिक्षण संस्था के प्रधान वेबसाइट पर जाकर डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आप जैसा कि डेट दे सकते हैं 7 नवंबर, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो था दोस्तों इंटर के लिए, और दोस्तों ये जो था यहाँ पर आपका मैट्रिक के लिए, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहले जब आप डाउनलोड करते थे पहले एडमिट कार्ड, तो कुछ इस तरह का दिखाता था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर किया हुआ रहता था, यहाँ पर आपका फोटो रहता था, और यहाँ पर फैकल्टी साइंस रहता था, और दोस्तों और यहाँ पर जो आपका सारा चीज़ लिखा हुआ रहता था, यानी कि माता पिता का नाम, स्कूल का नाम, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक हुई हो, सिर्फ आपका दो चीज़ नहीं रहता था, परीक्षा केंद्र का नाम और रोल क्रमांक, क्योंकि वो फाइनल एडमिट कार्ड जब जारी होगा आपका उसी समय रहेगा। ठीक है, जहाँ आपका डिसाइड करेगा कौन सा सेंटर पड़ेगा, उसी समय आपका रोल क्रमांक और परीक्षा केंद्र का नाम देगा। लेकिन अभी आप लोगों का सिर्फ परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, यानी कि जो छोटी छोटी मिस्टेक है, रेगुलर है या नो है, दिव्यांग कोटि, ठीक है, यही सब अभी सुधार करने के लिए देता है। और आपका नीचे में सिग्नेचर भी किया हुआ रहता है परीक्षा नियंत्रक का। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जब आप अभी डाउनलोड करने के लिए जाइएगा तो कुछ इस तरह का दिखाएगा, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको सुधार कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो सीधा आपको सिंपली गूगल या फिर क्रोम, जो भी आपके पास मोबाइल में ब्राउजर है, वो आपको ओपन करना है। सिंपली दोस्तों मैंने यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया है। अब जैसे जैसे मैं टाइप करता हूँ आपको भी उसी तरह टाइप करना है। ठीक है, जिसको ये प्रोसेस आता है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ टाइप किया हूँ seniorsecondary.biharboardonline.com, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा हो रहेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड। ठीक है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है। मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, जिसको ये आता है वो आगे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले कॉलेज चुनना है, उसके बाद फैकल्टी। चलिए मैं जैसे जैसे करता हूँ आपको कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आपको भी उसी तरह सर्च करना है। और दोस्तों आपको जो एक लेटर जो है कैपिटल पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि इससे जल्दी सर्च हो जाएगा। अगर आप स्मॉल पर लिखेंगे तो जल्दी सर्च होने का चांस बहुत कम रहता है।
आपको अपना स्कूल का नेम टाइप करना है। उसके बाद देखिए मेरा निजी स्कूल का नाम आ गया है, मैं इस पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपना आपको फैकल्टी चुनना है, जो भी आपका फैकल्टी है, कॉमर्स साइंस वोकेशनल, ठीक है। मेरा आर्ट्स है तो मैं आर्ट्स पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको एग्जाम कैटेगरी पर जाना है। एग्जाम कैटेगरी मतलब क्या कि दोस्तों जैसे आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे वहाँ तो पूरा चीज़ लिखा हुआ रहेगा ही, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप रेगुलर लिखेंगे। अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो एक्स रेगुलर, ठीक है। कंपार्टमेंटल है तो कंपार्टमेंटल, जो भी आप है अपना एडमिट कार्ड में देख लें। तो देखिए एडमिट कार्ड कौन सा, जो रजिस्ट्रेशन किए थे आप, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी उसको कह सकते हैं जो आप 11th क्लास में किए थे। तो रेगुलर में आप अगर हैं तो रेगुलर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट है, जो भी आपका नाम है, जैसे कि यहाँ पर माजिद हुसैन मैं एक बार टाइप किया था इसलिए मेरा लिखा हुआ आ रहा है। आपको भी यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर अपना फादर का नाम लिखना है। फादर का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो सही डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। वो लिखने के बाद ये मेरा इसलिए लिखा हुआ रहा दोस्तों क्योंकि मैं एक बार पहले सर्च किया था। उसके बाद आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपको फिर नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। पहले यहाँ पर टिक लगाना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड पर। जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये सब प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आया है, सबसे पहले आपको प्रिंट करना है। प्रिंट में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड पीडीएफ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ से डाउनलोड कर देना है, पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपको सेव पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो है पीडीएफ सेव हो गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, पहले आपका फोटो सिग्नेचर आ रहा था, आपका नाम, परीक्षार्थी का नाम, माता पिता का नाम, सब कुछ आ रहा था, लेकिन दोस्तों अभी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो अभी आपका कुछ भी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नवंबर से पहले यानी कि कल से पहले आ रहा था, लेकिन अभी आप करेंगे तो नहीं आएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, आप इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके बाद फिर दोस्तों मैं वीडियो को एंड करूंगा। डमी प्रवेश पत्र यदि किसी छात्र छात्रा के नाम, माता पिता के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि हो, कोटि, लिंग, विषय, फोटो, हस्ताक्षर आदि किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होता है तो उससे संबंधित साक्ष्य एवं अपने हस्ताक्षर के साथ डमी प्रवेश पत्र संशोधन कर ऑनलाइन सुधार हेतु दिनांक 30/10/2020 से लेकर के 12/11/2020 तक अपने प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय प्रधान को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उसी परपत्र पर दूसरी प्रतिशिक्षण संस्था के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित लेंगे। और दोस्तों आगे देखिए, संबंधित प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय प्रधान दिनांक 30/10/2020 से लेकर 12/11/2020 तक की अवधि में छात्र छात्रा के द्वारा डमी प्रवेश पत्र प्रतिविधित त्रुटि का ऑनलाइन सुधार अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। फिर 3 नंबर में देखते हैं, डमी प्रवेश पत्र में छात्र छात्रा का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, कोड, नाम तथा परीक्षार्थी, परीक्षा कार्यक्रम अंकित नहीं किया जाएगा, ठीक है। कौन सा, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और कोड तथा परीक्षा कार्यक्रम, ये कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। मूल प्रवेश पत्र इसी जारी किया जाएगा, इंटर यानी कि जो ओरिजिनल निकलेगा उसी में आपका ये सब कुछ किया जाएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा सत्र 2019-21 में नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं परीक्षा विषय उनके सूचीकरण प्रमाण पत्र आधार पर ही अंकित किया गया है। यह डमी प्रवेश जिसके आधार पर परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र में प्रवेश मान्य नहीं है, यानी कि इसको अगर आप लेके जाते हैं प्रवेश पत्र यानी कि जहां पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा तो वहां पर आपको ये मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों आपको जाना अपना प्रिंसिपल के पास, जो भी आपका स्कूल या फिर कॉलेज का प्रिंसिपल है वहां जाकर के उससे जल्दी कॉन्टेक्ट करना है और वो जो है आपका ऑनलाइन सुधार करेंगे। और जैसे ही आपको वो सिग्नेचर करते हैं वो फिर आपको अपने पास ले लेना है, ठीक है। एक कोई रिसीविंग देगा, रसीद देगा, उसको आपको वहां से वापस लेना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई छोटी से छोटी नोटिस या फिर बड़ा से बड़ा नोटिस जारी होता है तो आपको सबसे पहले ही चैनल पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।